फ्लोर के नजदीक गांव बोलेवाल माजरा के पास सतलुज दरिया बांध पर रेत निकाला जा रहा है और रेत के टिप्पर गांव बोलेवाल के रास्ते होते हुए मोतीपुर के गांव के पास से होते हुए सारे रास्ते को तोड़कर जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में किसान यूनियन ने वहां पर रेत निकालने का काम रोक दिया और धरना लगा दिया। उसके बाद एसीपी गुरप्रीत सिंह ने आकर सारी बात सुनी और जिस जो भी दोषी निकला उनके खिलाफ कार्रवाई करने की दिलासा दी। फ्लोर से राजकुमार नंगल। बंदा कोई रौला नहीं है, इन्हों की आपस की प्रॉब्लम आई थी, कहते मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। साडा इधरला पासा लुधियाने का, मैं एसीपी वैस्ट लुधियाने तो इधरला पासा जलंधर च आ जाता है। कोई इन्हों की आपस मिसअंडरस्टैंडिंग सी, उन्होंने आपस ठीक हो गई है। वो कागज पत्र मंगा के मैं इन्नी गले आके दिखा देने इन्होंने। जरा धरना लगा सी वो हो गया ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई सारे सरपंच साहब। जरा टक जो कहते भी इन्हों के कागज देखना की वो तो लीगली है, बैठे तहसीलदार साहब आए हुए साडा महकमा मैं इन्नी गल असं बुला लेंगे जो लीगल वही चलेगा। अपना नाम बोलो। मैं लखविंदर सिंह पिंड मोतीपुर खालसा। ये जी कुछ दिनों तो इन्होंने खड्ड जी सू दसा भी खड्ड जी मंजूर हुई है, यदा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यदा जोड़ा सगा वो जाता है अपने लुधियाने जिले की मजारा कला की खड्ड है। तो ये अमी अनलीगल तौर पर जो बन उतो जी निकाल रहे हैं जो कि ब सरा सारे गलत आ, डेंजर जोन है। अगे भी है जो साढ़े मोहरे 8-10 पिंड पेंदे आ, मोतीपुर आ, गन्ना पिंड आ, भोलेवाल आ, हरिपुर आ, मौसा मियोवाल आ, ये सारे पिंडा दा इतों 2-3 वारी बंद पहला टुट चुकिया। इतों 1800 किलो रुड़िया तो अगे भी 400-500 किलो जरा मौसा का रुड़िया आ। हूँ धक्के अपने टिप्पर निघा रहे, उतों धमकिया दे रहा है, जो रोकूगा तो परचे करा उत्तों की सानू धमे उत्ते इल्जाम ला रहा है भी पैसे मंगते हैं। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਆ ਸਾਡੇ ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਇੱਧਰ ਮੀਵਾਲ ਦਾ ਗੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਸਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੱਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਨਗੇ।